नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। एक नजर अब तक की खास खबर पर। देवबंद के मोहल्ला टपरियान में एक युवक ने 18 वर्षीय एक युवती पर तेजा फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। एसपी सिटी ने बताया कि एक युवक युवती के घर पहुंचा और युवती के भाई के बारे में कहा कि मैं उनका दोस्त हूं और उन्होंने कुछ पैसे भेजे हैं। पैसे देकर जब युवक बाहर चला गया तो उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही युवक ने महिला के चेहरे पर तेजा फेंक दिया, जिससे वो झुलस गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इंडिया 24 टीवी न्यूज के लिए देवबंद से फैयाज अली की रिपोर्ट। ये देवबंद में रहने वाली लड़की है, मोहल्ला अब्दुल हक टपरी। ये अपने घर पर थी, इनके भाई का नाम मुन्ना है। किसी यंग लड़के ने रात्रि में 10 बजे करीब में इनके दरवाजे पर नॉक किया और इनके भाई के नाम से आवाज़ लगाई। जब इन्होंने अपना दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बताया कि मुन्ना ने, जो कि दिल्ली में काम करता है, उसने कुछ पैसे भेजे। इस बात पर उसने दरवाज़ा खोल करके वो पैसे लिए। उसके बाद में उस लड़के ने दोबारा से बोला कि कुछ और पैसे भेजे, और जब ये बच्ची मुड़ी तो उसके ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाला है, जो लो इंटेंसिटी ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया किसने ये कृत्य किया है, परंतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी जल्दी सब पता कर लेंगे।